अल्लाह, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। ये बेटा भी पता नहीं कहाँ रह गया है, अभी तक आया नहीं। बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, इसको भी कुछ पता नहीं चलता किधर चला जाता है। इसको पता भी है माँ बूढ़ी हो गई है। अल्लाह, सारे काम खुद ही करने पड़ते। वो ना गया बाय। उफ अल्लाह, इसको कहती हूँ शादी कर ले, शादी भी नहीं करता है। माँ जी, कब मैं धूप में खड़ा हूँ? क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? कब से गर्मी में खड़ा हूँ, आया हूँ बाहर दरवाजा खड़का खड़का के, मैं तो थक गया हूँ। मेरा तो जीना आराम हुआ है, बाहर भी गर्मी है घर भी। अरे बेटा, तूने आते सार अपना मसला बता दिया, मेरा नहीं पूछा कि माँ क्या हाल है तेरा। मैं मर रही हूँ, मेरी तबीयत खराब है बहुत सख्त, उठते उठते टाइम लगता है, मैं क्या करूँ? आपको कहा है नुकरानी रख ले, आपसे नहीं होता तो नुकरानी की क्या जरूरत है? कब से दरवाजा है तो मुझे बहू की जरूरत है, नुकरानी की नहीं जरूरत है। मैंने नहीं शादी करनी, मैंने आपको बताया मैंने नहीं शादी करनी। ठीक है, क्या बस शादी नहीं करनी। क्या इस घर में कोई काम नहीं सीधा होता, कोई काम नहीं सीधा होता? क्या पता नहीं क्या, जब से होश संभाला है टेंशन ही टेंशन है। जान जाओ बस, बाहर खड़ा होके दरवाजा खड़का खड़का के, ना दरवाजा खोलते हैं टाइम से। अभी पानी पिला दे माँ जी, कब से बैठा हूँ, देखे पसीने में क्या गर्मी में हालत हो गई है। माँ जी कब से बैठा हूँ, पानी पिला दे, ना दरवाजा खुलता है ना पानी टाइम से मिलता है, क्या इस घर में परेशानी। क्या करूँ, क्या ये माँ जी सब क्या है? बाहर जाओ परेशानी है, घर आओ परेशानी है। पहले दरवाजा नहीं खोल रहा था, अभी पानी लाया आपने गिरा दिया। बेटा मेरी उम्र हो गई है, अब मेरे से काम नहीं होता है, क्या करूं? बस मैंने तुम्हें कह दिया, आज मैं तुम्हारे खालू के पास जाऊंगी, उनकी बेटी का रिश्ता ठीक कराऊंगी तुम्हारे लिए। मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, मैंने शादी नहीं करनी। आप नौकरानी रख ले, अपना काम हाथ बटाए, मैंने नहीं करनी शादी। अरे बेटा, वो बेचारे गरीब से हैं, कुछ नेकी का काम कर लो। वो बेचारे बहुत गरीब हैं, उनकी बेटी को लाने दो, वो हमारा बहुत ख्याल रखेंगे। मैंने नहीं करनी, आप नौकरानी रखो। मैं क्या करूं इस लड़के का? बस आज मैंने फैसला कर लिया, वो यतीम बच्ची है, उसके सर पे हाथ रखना है, तो मैं आज ही जाऊंगी। बहुत हो गया तुम्हारा नखरा। माँ जी, ना वो मुझे पसंद है, ना मैंने शादी करनी है, ना मैंने उसको रखना है, मुझे वो जरा पसंद नहीं है, मैंने नहीं शादी करनी। तुम जो भी कहते रहो, लेकिन बस मैं तो आज जा रही हूँ। मैंने नहीं करनी, आप जो मर्जी करो। क्या मुसीबत पड़ेगी, एक टेंशन बाहर की खत्म नहीं होती, घर आओ नई टेंशन होती। आप यहाँ कैसे आई?
हाँ बेटा, कैसी है तू? जीती रहे जीती रहे। किधर है आपके अब्बू? अंदर है। अच्छा चल। जी भाई, क्या सुना उसका? उसने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। अभी क्या हुआ, उसने कर दिया? बस भाई, हर वक्त तंग करते हैं और रात से देर से आता है और मेरी तबीयत भी खराब रहती है, मैं क्या करूं? बस उसकी शादी कर दे, मैं तो कहता हूं। अरे भाई, तुमने तो मेरे मुंह की बात नहीं की है। मैं तो इसीलिए आई थी भाई आपके पास, उसके रिश्ते की बात करने के लिए। चलो, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। मैं पहले भी सोच रहा था कि आपसे बात करूं, लेकिन हम ठहरे गरीब लोग, आप बड़े लोग हैं। अरे भाई, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। ये लाजमी नहीं है कि हम बड़े हैं तो तुम छोटे हो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी मेरी बेटी है, मैं उसे अपनी बहू बनाऊंगी। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मत की बात है। मरियम, किधर हो बेटा? ये क्या है? ये ले। बस बेटा, मेरे पास। कैसी हो? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप मुझे बता दिया? जी आपने कह दिया तो मैं तो हमारी तरफ से तो हाँ है। तो फिर कब? बस बात पक्की करते हैं। मरियम, हमारी खाला क्या कह रही है? जो आपकी मर्जी। तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही है, जाहिर से तुम्हारा रिश्ता कर रहे हैं। बेटियां यही होती हैं। अगर आज इसकी अम्मी जिंदा होती तो बड़ी खुशी की खुश होती है इसको देख के। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बस अल्लाह की मर्जी। वाकई कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, माए माए होती हैं। बहन, अब हमारे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं आपका मुँह मीठा कराए। अरे भाई, तुमने बस हाँ कर दिया, चाय पिला दिया, यही मेरे लिए काफी है। और मैं इंशाल्लाह जल्दी ही ज़ेर को लेकर आऊंगी। और एक और बात करनी थी बहन, आपको पता है ना, हमारे तो इतने वसाइल नहीं है कि जो आजकल डिमांड होती है देश की, वो तो हम पूरा नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ हमारे पास है, आपको पता है, आपके सामने है। अरे भाई, मैंने कुछ तुमसे मांगा है? मुझे तुम्हारी बेटी मिल गई, यही काफी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन, बस यही दुआ दो तुम इसको। तो फिर क्या सोचा है? अरे भाई, मैं तो कहती हूँ इसी हफ्ते रख लेते हैं। चलो, ये तो अच्छी बात की, आपने इसी हफ्ते में रख लेते हैं। बस ठीक है भाई, ठीक हो गए। चाय पियें। बस माँ जी, यही तक था हमारा साथ। आपकी मर्जी के साथ मैं इनके घर गया हूँ और ले आए ये मुसीबत। आप कोई मुझे नहीं चाहिए बस। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो? अब ये तुम्हारी बीवी है? मेरी बीवी नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा था मैंने शादी नहीं कर रही। ये आपकी मर्जी से आई है, ठीक है? मैंने आपका सिर्फ इज्जत रखी है, बस जो था खत्म, यही तक है बस। अरे बेटा, इस तरह ना करो, इसकी क्यों जिंदगी खराब करने लगे हो? अरे बेटा, अब ये तुम्हारी इज्जत है। मैं अपने भाई से खुशी लेकर आई हूँ घर से, और तुम इस तरह करोगे? आपने बाजी, काम वाली आपको चाहिए, आप ले आई हैं, मैंने अपना हक अदा किया, आपके साथ गया हूँ, आपकी इज्जत रखी है, ठीक है? मजीद मुझसे और कुछ नहीं होता, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। ये क्या कह रहे हो बेटा, इस तरह मत करो, ये यतीम बच्ची है। बस माँ जी, मैं जा रहा हूँ, ये आपको मुबारक हो। बस मेरी क्या गलती है, मेरे पहले से इतनी जिंदगी में दुख खराब नहीं है, जिंदगी खराब कर रही है। अरे बेटा, मैंने तो कहा ये शादी के बाद ठीक हो जाएगा, मुझे क्या पता ये फिर इस तरह करेगा। तुम फिक्र ना करो, मैं तुझे बहू बना कर लाई हूँ, तो लाजमी वो तुमसे प्यार करेगा, बेफिक्र रहेगा तू।
मेरे पे यकीन करना ना तुझे जी। बस आपने तो बोला था जरी ठीक हो जाएगा, वो तो बिल्कुल नहीं ठीक, 2 माह से वो मेरे से बात भी नहीं कर रहा है। अरे बेटा सब्र कर जा, सब्र का पल मीठा है, सब्र कर जा थोड़ा। मैं क्या करूँ अब, मैं उससे क्या क्या कहूँ उसको, उसने भी मुझे भी बहुत तंग किया हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं उसके लिए क्या करूँ। सब्र कर जा थोड़ा सा। आपको माजी का है, पी रहा हूं, कोई नहीं पी के आया। बेटा ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों उस लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हो? मैं अपने भाई के घर से लेकर आई हूँ, यतीम है वो, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने में तुले हुए तुम, क्यों इस तरह कर रहे हो? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने आपको कहा था कि वो मुझे पसंद नहीं है, ना मैंने घर रहना है ना उसको रखना है, मैंने घर ही छोड़ के चले जाना है। अरे बेटा ये क्या कह रहे हो तुम, इस तरह नहीं करना। अरे बेटा इस तरह ना करो, मैंने आपको कहा था वो मुझे पसंद ही नहीं है, ना मैंने उसको रखना है ना घर रहना है। ये लो आ गई है मनाउस, मैंने कहा है ना मैंने इसके साथ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ, इसको भी छोड़ के और घर भी छोड़ के, आप ही इसको रखें। यार काफ़ी दिन हुए ज़ैर भाई नज़र नहीं आया है, आज चलो उनसे मुलाकात कर लेता हूँ, कहाँ है उनका नंबर। ये किसकी कॉल आ गई है? अच्छा अच्छा, सलाम अलैकुम ज़ैर भाई। जी सलाम अलैकुम, क्या हाल है जी? क्या हाल है, कहाँ हो आजकल, नज़र ही नहीं आ रहे हो काफ़ी दिनों से। ठीक मैं अल्लाह का शुक्र, मैं घर में ही हूँ, आप कहाँ पर हो? अच्छा मैं इधर से गुजर रहा था ना आपके घर की तरफ से, मैंने कहा आज आपसे मिलता जाऊं, घर पर हैं आप? आ जाओ घर में ही मिलते हैं इधर। अच्छा चलें ठीक है फिर मैं आ रहा हूं। ओके अल्लाह हाफिज़। शादी क्या है की वो तो मेरी बर्बादी थी, आप लोगों के लिए शादी थी, घर ना घर का ना बाहर का, मैं तो आपके सामने ही हूँ। चले आ जाए कोई मसला नहीं, मेरी एक दोस्त है उनके साथ आपको मिलाता हूँ, आ जाए। चले जाते हैं। और सुनाओ आप कैसे हो? खैरियत है अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। जा रहे हो काम शाम पर? जी बिल्कुल जा रहा हूं। मैं तो ना काम है ना कुछ भी, बस जैसे ये मुसीबत पेड़ पड़ी है और कुछ भी नहीं बस। चलें ठीक है, मेरी एक दोस्त है उनको भी बुला लेते हैं, फिर गपशप लगाते हैं। बुला लें आप अपनी दोस्त को। सलाम अलैकुम, मैं कहाँ पर हूँ, आ जाओ इधर हम लोग बैठे हो। वेट करो मैं आ रही हूँ। आ रही है आपकी दोस्त? जी आ रही। ठीक और आप क्या लेंगे? जी बस मेहरबानी। क्या ठीक बैठे, आ जाए बैठे, ये मेरा दोस्त है भाई। कैसी हैं आप? जी, सुनाएं ठीक हैं आप जी। और सुनाएं आप कैसी हैं? हाँ, मैं ठीक, आप सुनाएं? बस ठीक ठाक। क्यों जी क्या मंगवाएं, क्या खाना है? नहीं बस शुक्रिया, मुझे कॉल आ रही है मेरे घर से। हेलो जी रवि किधर है आप? जी बस मैं ज़ैर भाई, मुझे घर से कॉल आ रही है, आप लोग गपशप लगाएं मैं आता हूँ। किधर जा रहे हैं? महक भी आई थी। आप लोग बैठे गपशप लगाएं मैं आता हूँ। चलें ठीक हो। और सुनाएं आप कैसी हैं आप? ठीक है मैं ठीक, आप सुनाएं? घूमने जाएं फिर? आप मुझे अपना नंबर दे दें। नंबर ले लेना, कब जाना है घूमने? आप तो इतनी प्यारी हैं, उनके साथ क्या करती हैं, मेरे साथ जाएं घूमने? रिलैक्स चलेंगे ना। चलो पक्की बात है? पक्की बात है। नंबर ले मेरा, मुझे दे, मैं डायल करके देता हूँ आपको नंबर। ठीक है
ये हो गया, ये मेरा नाम है, ठीक है? ठीक। नेक्स्ट मिलेंगे, घूमने जाएंगे, ठीक है? ठीक। जाना है आपने। यार इतना टाइम हो गया, महक नहीं अभी तक आई। वालेकुम सलाम, कैसी हो? आ गई हो? और सुनाए, बहुत लेट किया, मैं देख के आपका कब का वेट कर रहा हूँ। लेट हो गई तो मैंने आपसे बात ये करनी थी कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। ये क्या बात हुई? आपके दोस्त ने आपकी पहली शादी हुई है। शादी वो सिर्फ घर वालों ने कहा है, घर वालों की मर्जी थी, मेरी मर्जी नहीं थी। प्लीज आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, आप मुझे शादी करा। नहीं हो सकता, आप क्यों छोड़े तो फिर हम एक अच्छे दोस्त हैं। नहीं, मुझे आप अच्छी लगती हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप नहीं, नहीं, तो आप क्यों नहीं समझती कि प्यार करता हूँ मैं आपसे? प्यार क्यों नहीं समझ रही हो आप? अगर आप ज्यादा जिद करते तो आप फिर अपनी पहली बीवी को छोड़े। मुझे कुछ सोचने का टाइम दो, मैं सोच के आप तो सोच ले, समझ ले, फिर मैं शादी कर लूंगी। आप इसे छोड़े, प्लान देखिए। शादी पक्का करोगी ना मुझसे? हाँ पक्का करूंगी। ठीक है, आपके लिए मैं उसको छोड़ भी दूंगा। ठीक है, छोड़ूंगी। यार ये मरियम क्या करती रहती हो घर? सारा गंदा पड़ा हुआ है, सब काम कर रही हूँ। मैंने क्या किया है? जब से अम्मी ने लाया ना तुम्हें, तो मुसीबत ही मुसीबत ले आई है। मैंने कौन सी ऐसी मुसीबत आपके लिए खड़ी कर दी? आपके लिए तो मैंने अपने बहन भाई छोड़ दिए हैं, और मैं क्या करूं? अम्मी को मैंने कहा था कि ये मुझे पसंद नहीं है, ना लाओ मेरे लिए, मैंने नहीं शादी करनी, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैंने नहीं तुम्हें रखना, मेरी तरफ तलाक है, तलाक है, मैं नहीं रखता तुम्हें, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मेरा घर छोड़ के चली जाओ, मैं जा रहा हूँ। क्या हाल है? मैंने आपकी खातर मरियम को छोड़ दिया, तलाक दे दिया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, अभी शादी करूँगा। ये क्या तरीका, आपने मुझे सोचने के लिए इतनी जज्बाती कि आप उसको तलाक दे आए हैं? मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको बताया ना, आपसे प्यार करता हूँ, जो जिंदगी रहती है वो आपके साथ मैंने गुजारनी है। ठीक है, जिंदगी गुजारने पर थोड़ा टाइम तो देते हैं, आप उसे तलाक दे आए हैं। बस मैंने सोच लिया, मेरा आपके फैसला था। महक फिर आप सोच के मुझे बताओ। ठीक है, मैं कल सोच के आपको बता दूंगी। ठीक, मैं आपका वेट करूंगा। ठीक है, ठीक है, आपने मुझे बताना है। ठीक है, मैं बताऊंगी। यार तुम्हें पता है मैं अभी दुबई से वापस आया हूँ, लेकिन तुम क्या प्रॉब्लम, क्या है, कोई मसला है मुझे बताओ। यार थोड़ी परेशानी है मुझे। क्या परेशानी है? यार एक पागल सा लड़का मेरे पीछे लगा हुआ है। कौन लड़का? वो यार है, लड़का है वो मेरे पीछे। मेरे बगैर अगर तुमने किसी के बारे में सोचा भी ना, फिर है कौन वो, मुझे बताओ जरा। बस यार उसने मेरी खातिर अपनी बीवी को तलाक दे के मेरे पास आ गए। है कौन वो ये बताओ मुझे जरा। तुम मुझे भी बता रही हो ये बात, पहले क्यों नहीं बताई? बस टाइम नहीं मिला, परेशान हो गई थी इसलिए। तुम परेशान हो गई थी? कौन है वो लड़का, नाम क्या है उसका? अच्छा मैं उसे बुलाती हूँ। बुलाओ जरा उसको। हेलो ज़ैद, किधर हो? मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ। वो भी आ रहे, कॉल के पीछे भागा चलाएगा बस। चलो आए उसे, मैं देख लेता हूँ आया कौन। यार अभी तक वो आया नहीं है, कहाँ रह गया? कॉल करो जरा उसे। चलो देखते हैं। क्या हाल है आपका? जान रोज मिलते थे, तुम आती नहीं हो, मैं तुम्हारी खातर अपनी वाइफ को छोड़ चुका हूँ, आज ही हम दोनों ने शादी करनी है, चलो मेरे साथ आज ही हमें। ओ हेलो भाई, ये मेरी है, इसकी खातर मैंने किया। यार हमारी अगले हफ्ते मंगनी है, इसकी खातर मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया। ये मेरी मंगेतर है यार, आप चलो जाओ इधर से। ये मेरी है, मैं कितना बड़ा धोखा आपने किया है। जा यार। किस्मत भी अजीब है हमारी दोस्तों, मोहब्बत की बाजी हमने हारी है दोस्तों, खुशियों से गुल हमारा कोई वास्ता नहीं, दिल पे हमारे गुजरी भारी है दोस्तों।